रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, वहां पे एक कन्वेंशन हुआ अराउंड 1972 में, ठीक है, 2 फरवरी को। तब से वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे साइन हो गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व ऑन 2 फरवरी। समझ आ रही इतनी बात? वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड इज दलदल एरिया, मार्शी एरिया, जहां पे पानी भी हो और मिट्टी, दलदल वाला पार्ट, शैलो वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स, ठीक है, शैलो वाटर बॉडीज, जैसे सम टाइप्स ऑफ लेक्स, शैलो वाटर बॉडीज, उन्हें वेटलैंड्स कहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये एक जहां यहां पे शैलो वाटर बॉडीज होती है। भाई देखो, ये लैंड एरिया है, ये पानी वाला एरिया है, समझ आ गया? तो ये हेल्प करता है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के काम आता है इसका। इंपॉर्टेंस ये, वन ऑफ द इंपॉर्टेंस दिस, ठीक है। फ्लड आई तो फ्लड से पहले पानी यहां पे भर गया, गहरा है मतलब कि लाइक पानी कम है, लेकिन इसका है कैपेसिटी ज्यादा रहने की, कर लिया काम। माइग्रेटरी बर्ड्स प्रेफर दिस काइंड ऑफ लोकेशन, वेटलैंड साइट्स, डिफरेंट द चिल्का लेक, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती है वहां पे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लेक्स शैलो वाटर बॉडीज, वेटलैंड एरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट का ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने मेनली इंपॉर्टेंस ये है, ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी यूज होता है, माइग्रेटरी बर्ड का आने के लिए भी यूज होता है। अगला क्या है, मैं करवा रहा था लैंडफॉर्म एंडेड रिवोल्यूशन, हमने रिवर वाटर की कर ली थी, ये बताएगा इरोजिव फॉर्म्स ऑफ रिवर क्या होती है। पांच प्लंज पूल्स क्या होते हैं? तो खैर, तो मैं क्या कह रहा था भाई, तो ग्राउंड वाटर जो होता है भाई, ध्यान सुनना, ग्राउंड वाटर एक बहुत अच्छा एरोसिव और डिपोजिशनल एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ वेदरिंग फेनोमेना करता है, बताया था वाटर से वेदरिंग फेनोमेना होता है, लेकिन वाटर में वही रॉक्स घुल पाती हैं, वही रॉक्स सॉल्यूशन के थ्रू घुल पाती हैं, हाइड्रेशन के थ्रू घुल पाती हैं, जिनमें घुलने की सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, इन अगर रॉक्स बनी है इसकी, किसकी, डोलोमाइट और लाइमस्टोन की, वहां पे ग्राउंड वाटर एक्ट करेगा। इफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ आपका लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, इनमें क्या होता है ऐसा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये घुल जाता है पानी में, और जब घुल जाता है वो अपने आप इरोजन भी कर देगा, वहां से डिपोजिशन भी कर देगा। समझ आ रहा है नॉर्मल सा? अब कैसे इरोजन करता है भाई, सपोज लैंड एरिया था, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, इकट्ठा हो गया पानी, इकट्ठा हुआ पानी ने वो लाइक थोड़ा सा पानी था, मिला लिया ऊपर की लेयर को अपने आप, और एक गड्ढा कर दिया हल्का सा, समझाया? जैसे रोड्स में पोर्टोल्स होते हैं, रिवर बेड में पोर्टोल्स होते हैं, यहाँ के पोर्टोल्स को क्या बोलेंगे, सिंक होल्स, समझ आ गया, सिंक होल्स बोलेंगे, समझ आया? सिंक होल्स दिख रहे हो डायग्राम कैसा है, डायग्राम में देखो सिंक होल्स दिख रहे हैं, कभी कभी ये बहुत गहरे हो जाते हैं और इनके नीचे हॉलो, क्योंकि नीचे ही पानी भरे ना ग्राउंड वाटर, हमें पता नहीं लगता, और गलती से कोई भी बच्चा या इंसान कोई भी इसे पाँव रखता है, सीधा अंदर चला जाता है, लाइक अ डेजर्ट, डेजर्ट में नहीं होता कहीं कहीं पे ऐसे मामला, बुम गायब, ओके। तो यही काम होता है इसमें, इसे जब ये टूट जाता है, यानी कि जो छोटी सी लेयर है यहाँ पे, क्यों आपने पाँव रखा, आपको पता नहीं था कि लेयर बहुत पतली है नीचे, कहीं कहीं पे आपने पाँव रखा, टूट गई, तो सिंक होल क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, उसे बोलेंगे कोलैप्स सिंक, दिख रहा है, कोलैप्स सिंक, कोलैप्स सिंक, और क्या बोलते हैं, डोलाइन, लिख लो इसी के आगे डायग्राम में, DOLINE, डोलाइन कहते हैं कोलैप्स सिंक को, DOLINE, और जब ये बहुत सारे कोलैप्स सिंक्स मिल जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे मिल गए ये, तो एक वैली टाइप बन जाती है, लेकिन वो सिंक होल से वैली बनी है, तो उसे वैली सिंक कहते हैं, दिख रहे हैं वैली सिंक, देख रही होगी वैली सिंक एकदम चौड़ी चौड़ी सी, उसे उलावाज, उवालाज भी कहते हैं, उवालाज लिखा हुआ दिख रहा है, उवालाज उसमें, ठीक है, डोलाइन इज कोलैप्सिंग, फाइन, सो दिस इज द केस।
अब आता है पूल्स, ये पूल प्लंज पूल की तरह है बट प्लंज नहीं है, यानी कि ग्राउंड वाटर ऊपर से गिरा और जहां पे गिर रहा है वहां पे जो गड्ढा बना रहा है वो क्या कहलाएगा, पूल्स। हेयर वाटर वॉल खेलेगा तो प्लंज पूल बनाता है, बताया था कल भी, मतलब सैटरडे को, राइट। लैपीज देखो क्या होता है रे, देखो ध्यान से, ये है सरफेस एरिया, समझ आ रही है। अब पानी बहता बहता ऊपर से निकलता हुआ गया और नीचे चला गया, तो जहां जहां से गया वहां पे सपोज अगर आपके ग्राउंड वो थी, क्या थी, ये वाली रॉक्स थी, वहां पे मैं छोटा छोटा ऐसे एरिया क्रिएट कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे लाइक जो घुल नहीं पाती हूँ ऊपर जाती हूँ, जो घुल जाती हूँ वहां पे गड्ढा सा बन जाता है, तो ऐसे ऐसे मामला हो जाता है, तो इन्हें लैपीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एक इरेगुलर सरफेस एरिया बन जाता है, जैसे किसी ने हाथ से ऐसे ऐसे कर दिया, जुता हुआ खेत देखा है उसमें मैड वगैरह बनी होती है उस टाइप से, लेकिन रॉक्स होती है ये प्रॉपर, तो लैपीज कहेंगे, ठीक है। और इन्हीं लैपीज को जब ये प्रॉपर तरीके सारे एरिया को ऐसे ऐसे प्रॉपर काट देती है, इन्हें लाइमस्टोन पेवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये कहां मिलती है ज्यादातर, ऐसा ऐसा कहां होता है, इंडिया में तो होता नहीं है, ऐसा होता है एड्रियाटिक सी के पास, एड्रियाटिक सी, इट्स अ पार्ट ऑफ विच सी, मेडिटेरेनियन सी, तो यहां पे मिलता है एड्रियाटिक सी में, इसके आसपास जो कंट्री है यहां पे ऐसी वाली रॉक से बना हुआ है मामला, जब यूरोप करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहां पे ऐसी वाली रॉक से मामला बना हुआ है, तो यहां पे इस रीजन को कहते हैं कास्ट रीजन, क्या कहते हैं, ये जो रीजन है यहां पे ऐसी रॉक्स मिलते हैं उसको बोलते हैं कास्ट रीजन। और ग्राउंड वाटर जो यहां पे टोपोग्राफी बनाता है, ग्राउंड वाटर जैसे यहां पे जो मामला बनता है उसे बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी क्या है, जो कास्ट रीजन में बनी, समझ आया, कास्ट टोपोग्राफी कहां है, एड्रियाटिक सी के आसपास। इन कंट्रीज को बाल्कान कंट्री भी कहते हैं, बाल्कान क्यों बोला भाई, बल्कनाइजेशन हो गया इनका, छोटी छोटी कंट्री, देखो कितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बहुत छुटपुट 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 तोड़ रखा है एकदम, ठीक है, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, वही सिर्फ इंडिया में नहीं होता रे, रिलीजियस के नाम पे मामला गड़बड़ वहां पे भी है, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मामला गड़बड़ हुआ और ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। इस एरिया में मिलता है इसी ग्राउंड वाटर का इफेक्ट, यहां पे ज्यादा दिखेगा। कास्ट टोपोग्राफी समझाया, किस रिलेटेड है, ग्राउंड वाटर से। केव्स क्या होती हैं, देखो देखो भाई इधर देखो, अब ये था सरफेस, यहां पर रॉक्स और अलग अलग एरिया तरह तरह की बनी हुई है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो दीज आर बेसिकली, अब देखो क्या है रहे, अलग अलग रॉक्स होती हैं ग्राउंड ग्राउंड में, ठीक है। जहां जहां पे वो रॉक्स आएंगी कौन कौन सी, जहां जहां पे ऐसी रॉक्स आएंगी कौन सी, इस टाइप की, तो वहां वहां पानी जब नीचे जाएगा सरफेस वाटर से नीचे गया उसको घोलता हुआ ले गया तो एक गुफा जैसी बन जाती है, समझाया। तो अंदर केव्स की घोलता हुआ चला गया, यहां पे क्या करे, गड्ढा करता हुआ चला गया, यानी एरिया साफ करता हुआ चला गया, तो क्या हो गया, गुफा जैसी बन गई, इसे केव बोलेंगे। तो केव फॉर्मेशन में क्या हो गया, इरोजन कर दिया ना बेसिकली, केव बना दी। केव क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केव एंड टनल, वेरी गुड। तो केव क्या होता है, केव जहां पे सिंगल ओपनिंग हो और टनल जहां पे डबल ओपनिंग हो। टनल में से ट्रेन निकलती है ना, टनल सिंपल, दूसरी एंडिंग नहीं होगी, मतलब नहीं केव में दूसरी एंडिंग नहीं होती, कई बार सिंगल ओपनिंग दोनों तरफ से होते, कई बार नहीं भी होती, जहां पे दोनों तरफ से किसी केव की दोनों तरफ से ओपनिंग होगी उसे टनल बोलते हैं, एक एकदम रियल बता रहा हूं, ठीक है। तो टनल भी मिलती है नीचे, ये पानी कहीं तो जाएगा, तो निकल गया तो वहां पे भी टनल बन जाएंगी, उसको टनल कह देंगे, समझ आया। तो दिस इज द केस ऑफ इरोजिव फॉर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर, समझ आए सारे सारे, लिख लो इसको, ग्राउंड वाटर इरोजिव फॉर्म्स लिख लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पटका, बोला केव, बोला किसका एग्जाम्पल है, बोला इरोजिव फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर का, बोला ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल है, बता दिया यूपीएससी ने, बोला किसका, इरोजन या डिपोजिशन या बोथ, इट्स इरोजन। लैपीज, लैपीज तुम गूगल पे देख लो, पता लग जाए, ओपन द गूगल, ओपन द इमेज, लैपीज डालो, ताकि एक ये विजुअलाइजेशन वाले चैप्टर्स हैं, पता लगना चाहिए। तो बेसिकली सरफेस पे जो टेढ़ा मेढ़ा मामला जो बच जाए ना, बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर,
ऐसे ऐसे बस पैचेस बच जाएं कि वो तो बहा ले गया ना मामला, तो इरोजन कर दिया उसने टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे में होता है ना, जैसे अगर मैं कह दूं ये ऐसे कोई बढ़िया सा खेत था उसमें ऐसे ऐसे कर दिया ऐसे ऐसे, तो उसे लैपीस बोल देंगे कि ग्राउंड वाटर आया कुछ कुछ छोड़िए कुछ रहे। ओपन एवरीबडी ओपन गूगल और लैपीस देखो, सब लोग देखो लैपीस, समझ आया। अब आते हैं देखो बुक में, देखो ये स्टाइल का साइड और भी डिपोजिशन वाले में आ रहे हैं डिपोजिशन, ये देखो ये वाला पार्ट ओपन करो, दिस वन केव दिख रही है, केव में दो तीन वर्ड दिख रहे हैं, स्टेलेगा साइड, स्टेलेगा माइट, पिलर्स दिख रहे हैं। तो ये हैं आपके डिपोजिशनल फॉर्म्स। केव में पानी बह रहा था, लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता हुआ, अब क्या हुआ पानी एवोपरेट हो गया विद टाइम, है ना, विद टाइम पानी एवोपरेट हो गया चला गया। तो पानी में जो मिट्टी थी, ऑब्वियस एवोपरेशन तो पानी का होता है, नमक नमक या फिर कोई मेटल तो रह जाता है ना, तो जो रह गया बुक में देख रही है केव, उसको देखना समझ जाओगे अपने आप क्या बना रहा हूं मैं। तो जो रह गया मामला केव में, देखो इधर ये केव है, तो जब पानी ऊपर से टपकता रहा एक टाइम बाद आया पानी ऑपरेट हो गया, तो कोन शेप्ड बन गया ऊपर से, ऐसे ऐसे ऊपर से ड्रॉप टपके तो ऐसे होता है ना, तो कोन शेप्ड रह गया मामला, इसे बोला गया स्टेलेगासाइट। दिख रहा है स्टेलेगासाइट, ऐसे ही कुछ दिख रहा है, ऊपर से बनेगा हमेशा, ऊपर टॉप वॉल से बनेगा स्टेलेगासाइट, डिपोजिशन फॉर्म है कि पानी गायब मिट्टी मिट्टी रहेगी, ठीक है। अब नीचे गिर रहा था पानी, तो नीचे भी कुछ ना कुछ मटेरियल भी गिर रहा होगा, हाँ है ना, तो गिरते गिरते क्या होता है ये मामला राउंड शेप होता है थोड़ा, उसकी टॉप क्या होती है राउंड होती है, दिख रही है, और जब पानी गायब हो जाता है उसे स्टेलेगामाइट कहते हैं, समझ आ गई। ये कोन शेप नहीं मिलेगा कभी, क्यों, कि बार बार पानी गिरता है तो उसके कोन तोड़ देता है, समझ आ रही है, तो राउंड शेप मिलेगा, आ गई बात समझ में। और जब ये आपस में मिल जाते हैं, है ना, क्या पता पानी लंबा हो या विस्कस हो फ्लो, तो मिल गए पानी ऑपरेट हो गया, क्या बोल दिया इनको पिलर्स, दीज आर द डिपोजिशनल फॉर्म्स, दिख रहे हैं इसमें साफ साफ, स्टेलेगासाइट, स्टेलेगामाइट्स, पिलर्स, आया हुआ क्वेश्चन है, पीआई की डिस्कशन मतलब आया हुआ क्वेश्चन साफ साफ बता रहा हूं कि ये आए हुए क्वेश्चन है। वैली सिंक, जब बहुत सारे कोलैप्स सिंक मिलके मिल गए ना, जैसे कोलैप एक गड्ढा हुआ, ये कोलैप्स हो गया, कोलैप्सिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे होंगे, अब मिलते गए तो बीच में गैप ही नहीं रहा, क्या बन गई वैली टाइप बन गई, तो वैली सिंक बोल दिया, दिख रहे हैं वैली सिंक, उसमें फोटो में भी दिख रही होंगी ओवालास, समझाया। तो ये कहानी है ग्लेशियर भी बहुत खतरनाक चीज है भाई, मैंने बताया इरोजन का कारण होता है मेन कारण काइनेटिक एनर्जी, है ना, इरोजन डिपोजिशन की फोर्स क्या थी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, एजेंट की हमारे पास पांच एजेंट हैं इरोजन के, कौन कौन से हैं, हाँ भाई रोहित, क्या विंड, वाटर, विंड, वाटर दो टाइप का, एक रनिंग वाटर, और एक ग्राउंड वाटर, ठीक है, आपका हो गया एक ग्लेशियर, एक सी वेव्स, वेरी गुड, ठीक है, ये पांच जनरली हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन या फिर एजेंट ऑफ इरोजन और डिपोजिशन, एक ही बात है, ग्रेडेशन दो टाइप का था, डिग्रेडेशन और ए ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन में इरोजन हो रहा है, ए ग्रेडेशन में डिपोजिशन हो रहा है, समझ आ रहे इतने से बात। तो ये जो सारी की सारी कहानी है किस पे वर्क करती है, काइनेटिक एनर्जी पे, हाफ एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास, इनका मास, और वी फॉर वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी तेज होगी, उसमें भाव ज्यादा होगा, सिंपल सी बात आ रही है। तो जो वेलोसिटी, लेकिन मेन फोर्स ना ये होती है, वेलोसिटी के ऊपर होता है मामला, विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है सबसे, वेव्स में वेलोसिटी होती है, ग्राउंड वाटर में वेलोसिटी होती है, कि दिखते हैं हमें बहते हुए, है ना, विंड को बोले भैया विंड देख रहे हो, अरे फील तो होती है ना,
तो लेकिन ग्लेशियर कभी नहीं दिखता, या तो अचानक से गिरेगा वो अलग चीज हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल फ्लो होता नहीं दिखेगा, बट यस दे ऑल्सो मूव, दे ऑल्सो मूव, और क्योंकि बेशक इनकी वेलोसिटी बहुत मिनिमम है, साइकिल तेज आ रही है, कोई बंदा साइकिल तेज चला गया धड़ धड़ एकदम, उसके सामने एक बंदा आ गया, एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा चोटें लगेगी, है ना, साइकिल ही तो है कि उसका मास कम। ट्रेन आ रही है, बस चलनी भी स्टार्ट हुई है, आप लेट गए, काट के चली जाएगी, क्यों, मास ज्यादा है, समझ आ रहा है क्या मतलब बता रहा हूं, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है इरोजन। तो ऐसे ग्लेशियर का मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ग्लेशियर काम करता है दो चीजों पे, प्लकिंग यानी तोड़ना, एब्रेशन यानी घिसना, घिसते घिसते मामला निकाल देता है। प्लकिंग ये लाइक जैसे ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर हल्का सा चला, इसके नीचे की मिट्टी अपने साथ प्लक करके ले गया, उखाड़ के ले गया, उखाड़ना, समझ आ गई, प्लांट्स को प्लक करते हैं, प्लक प्लकिंग ऑफ फ्लावर काइंड ऑफ, ठीक है, उखाड़ दी, क्योंकि वेट ज्यादा था, मिट्टी चिपकी थी, मिट्टी को उखाड़ के ले गया अपने साथ, तो हल्का सा ही, हल्का सा हिला, मिट्टी को प्लक कर लिया, उखाड़ लिया, प्लक करा, हल्का हल्का आगे चला, मिट्टी रगड़ी नीचे वाली मिट्टी से, आया ना, तो उस रगड़ की वजह से एब्रेशन हुआ, एरोजन हो गया, मिट्टी जो पहले मोटी थी वो भी पतली हो गई, और नीचे उसने कुछ और भी करा होगा, तो ये होता है इसका काम, ऐसे ग्लेशियर प्लक करता है, एब्रेशन करता है, ठीक है रे, कहानी समझ आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लेशियर का काम कैसे होगा, ये बता रहा हूं, ये दो फोर्स हैं ग्लेशियर की, लिख लेना इसको, ग्लेशियर राइटिंग डालो, अभी बताएंगे बताएंगे बताएंगे, ग्लेशियर टिलिट्स अलग है, बताएंगे बताएंगे, इरोसिव फॉर्म वो डिपॉजिट फॉर्म है, ग्लेशियर में लिखो कि ग्लेशियर फॉर्म्स लैंड फॉर्म्स, ग्लेशियर फॉर्म्स अ लैंड फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, टू प्रोसेस, प्लकिंग एंड एब्रेशन, प्लकिंग एंड एब्रेशन, ठीक है, ग्लेशियर्स इरोजिव फॉर्म्स डिपोजिशनल फॉर्म्स, इरोजन सबसे पहले आती है भाई सर्क्स, CIRQUE, डायग्राम दे रखा है इसमें ग्लेशियर का, दे रखा है, सर्क दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ, CIRQUE, वेरी गुड, वही है सर्क, एरेटे, हॉर्न, ये तीनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, कमाल की बात तो ये है, एरेटेज को सेरेटेड रिजेस भी कहते हैं, सेरेटेड रिजेस, ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रोव्स, वही ग्लेशियल वैलीज यानी यू शेप्ड वैली लिखो डायरेक्ट, ग्लेशियर कैसे बनाता है, यू शेप्ड वैलीज, तो क्या होता है रे, ध्यान से देखो, ये देखो सपोज ये पहाड़ था, समझ आ रहे हैं, ये ग्लेशियर है, इस पे यहां पे कभी ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन पहाड़ ग्लेशियर का ही बना हुआ है आगे पीछे दाएं बाएं। अब ग्लेशियर टूट के वही वाला जो मैंने बताया प्लकिंग एंड एब्रेशन, ऐसे ग्लेशियर है ये टूटा और यहां से मिट्टी उखाड़ के ले गया, समझ आ गई, जब यहां से ग्लेशियर टूटा मिट्टी उखाड़ के ले गया, पिघल के चला गया, पिघल गया ग्लेशियर, चला गया वहां से, हल्का सा निकला वहां पे गड्ढा कर गया, गड्ढा जो होता है पहाड़ों में ग्लेशियर की वजह से, उसे सर्क कहते हैं, CIRQUE, सर्क, दिख रहा है सर्क, बहुत सारे सर्क होते हैं पहाड़ों में, एक सर्क दूसरे सर्क से डिवाइड होता है एक रिज से, जो कि आरी के सॉ टूथ होती है, आरी के दांत देखे वैसी टाइप, उसे एरेटेज कहते हैं,
वन सर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सर्क बाय दिस. अब देखो ये सर्क जब बहुत सारे हो रहे हैं तो ये ना एक छोटी सी बन जाती है, समझ आ रही है? यहां से टूट के निकल गया, यहां से टूट के निकल गया, यहां से टूट के एक छोटी सी बन जाती है आपस में, उसे हॉर्न कह दिया. तो जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं वो एक्चुअल में हॉर्न्स हैं, HORN, है ना? ऐसे ये ऐसे समझ लो, ये ऐसे ऐसे टूट के ऐसे है ना, ये हॉर्न टाइप बना दिया. दिस इज व्हाट हॉर्न, माउंट एवरेस्ट हॉर्न की हाइट है, वो K2 हॉर्न की हाइट है, हिमाद्री हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस. तो यही कहानी है. तो सर बहुत सारे क्या था तो हॉर्न बन जाते हैं. वो पॉइंट ये हमेशा टॉप ऑफ द माउंटेन में बनते हैं. सर्क समझ आ रहा है? सर्क बिल्कुल टूट सकता है, बिल्कुल सही बात है. सर्क टूट जाते हैं, हाइट कम हो जाती है, ठीक है. अब एक और चीज, सर्क था खाली हो गया, खोदाना घास था, बारिश हुई तो पानी भर गया, लेक टाइप हो गया. इन लेक्स को टार्न लेक कहते हैं, TARN, टार्न लेक, ठीक है, या फिर कोरी लेक, एक ही नाम है. बुक में देखो टार्न लेक मार्क करो, सर्क वाले चाहे उसमें, सर्क वाले में देखो लास्ट के थ्री फोर लाइन्स, सर्क वाले पैराग्राफ में टार्न लेक दिखेगा, ठीक है. टार्न लेक या सर्क लेक या फिर कोरी लेक, CORRII, कोरी लेक, समझ आ रही है? पानी भर गया, गड्ढा है वहां पे. सो दिस इज द थिंग, हॉर्न बता दिया, ये सब. जनरली ग्लेशियर्स की जो वैली होती है वो यू शेप्ड होती है, धीरे चलते हैं तो यू शेप वैली बनाते हैं ऐसे, जो कि पैरेलल होती है यहां से और यहां से ऐसे फल का टिल्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस प्लकिंग, दिख रहा है? तो यू शेप्ड, ये वी शेप वगैरह नहीं बनाते ऐसे, प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता, नो, यू शेप्ड वैलीज. और इनकी यू शेप वैलीज बहुत सारी वैली से कनेक्टेड होती हैं. ये क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो डायग्राम, देखो दिख रहे हैं, जिन्हें हैंगिंग वैलीज कहते हैं. ये देखो, ये एक वैली जा रही है और साथ में हैंगिंग वैलीज हैं इसके पास, लटक रही हैं. ओके, जो गौमुख ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर, गौमुख इज द एरिया, वो यू शेप्ड वैली का एरिया है. गंगोत्री ग्लेशियर, अलकापुरी, सतोपत ग्लेशियर, अलकनंदा, ये यू शेप्ड वैली में, जनरली ग्लेशियर यू शेप्ड वैली में रहता है. ग्लेशियर गायब करो, यू शेप्ड वैली निकलेगी उसके नीचे से, ठीक है. उसके नीचे अगर ग्लेशियर को हटा दो, मान लो लाइक गायब ही कर दो, तो ग्लेशियर इज लाइक यू शेप्ड वैली में बैठा हुआ ऐसे करके, एक यू शेप्ड इस टाइप से. हमारे रिवर को देखिए, रिवर बहती है वी शेप्ड में, गॉर्ज में, या आई शेप्ड, है ना, कैनन्स. ये कहानी है यू शेप्ड वैली. ये आता है क्वेश्चन बहुत बार, यू शेप्ड वैली किसका फीचर है? इट्स अ ग्लेशियर फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. समझ आ गई? अब देखो डायग्राम, ओपन द डायग्राम, डायग्राम देखो जो मैंने तुम्हें डायग्राम भेजे हुए हैं, इसमें ग्लेशियर वाला डायग्राम देखो. और ग्लेशियर में अब देखो, ये एरेटे समझ आ रहा है, टान समझ आ रहा होगा, देखो इसमें थोड़ा रंग बिरंगा हल्का फुल्का. फोन कह रहे तुमने तो सब्सक्रिप्शन में ले रखा है, किसका, फिजिक्स वाला का? तो टैबलेट में ले रखा है. ओ टैबलेट, तो टैबलेट लाया करो, चोरी हो जाएगा. अच्छा भैया, यू शेप वैली से रिवर फ्लो होती है. हाँ, ये कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम खोलो रे, ओपन दिस डायग्राम. ये टान लेक दिख रहे हैं इसमें? हाँ भैया, दिख रहे हैं. सर्क समझ आया? एरेटे, हॉर्न, यू शेप्ड वैली दिख गई, मेन ट्रंक वाली नीचे ग्रीन ग्रीन, उसके ऊपर हैंगिंग वैली से बहुत सारी. देखा? ये एरेटे और ये स्पर तो सेम ही है. स्पर्स, बिल्कुल स्परिंग हो जाती है, एरिटेज बन जाते हैं, सेरेटेड रिज बन जाती है. इसमें ये डिफरेंस है क्या, एरिटे वाला जो है वो तीखा दिखा होगा, वो थोड़ा सा गोल सा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं, सेम है दोनों. हाँ ठीक है,
तो एक के कई नाम होते हैं इसमें, कोई टेंशन नहीं है। अब आओ इसमें देखो रे, अब अगला वाला इसे ग्लेशियर का ही देखो। ये देखो टान लेक समझ आया इसमें, ये वाला साफ साफ हॉर्न बन गया अचानक से, पिरामिडल पीक बन गई, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले डायग्राम में जिसमें हम देखेंगे मोरेन वगैरह। ये तुमने एग्जाम्पल लिख ली सारे इरोजन के, डिपोजिशन का एग्जाम्पल लिख लो, डिपोजिशनल एग्जाम्पल, डिपोजिशनल एग्जाम्पल लिख लो सारे के सारे। नंबर वन पे लिखो मोरेन्स, मोरेन्स, एस्कर्स, ड्रमलिन्स, मोरेन्स, एस्कर, ड्रमलिन, आउटवॉश प्लेन्स, आउटवॉश प्लेन्स, ग्लेशियल टिल्स, ग्लेशियल टिल्स, ड्रमलिन के नीचे एक एग्जैक्ट डायग्राम बना लो इस टाइप से। देखो ये है ड्रमलिन, ठीक है, और ये क्या है ड्रमलिन, ठीक है। इसके ऊपर है ग्लेशियर, ड्रमलिन एक लैंड बॉडी है, इसके ऊपर है ग्लेशियर, ऐसा कर लो, ठीक है। तो ग्लेशियर का मूवमेंट है ये वाला, हमें कैसे पता ग्लेशियर इस तरफ से मुड़ा, ये जो ड्रमलिन साहब हैं, ड्रमलिन हमें ग्लेशियर के मूवमेंट के डायरेक्शन बताते हैं। हम ड्रमलिन देख के बता सकते हैं कि ग्लेशियर किस डायरेक्शन में मुड़ा होगा, गया होगा। क्यों? इसके दो पार्ट होते हैं, एक उठा हुआ पार्ट जिसे कहते हैं स्टॉस, और एक होती है उसकी पूंछ यानी टेल। जो टेल होता है उसकी तरफ से ग्लेशियर जाया होता है, घिसा हुआ पार्ट है, तो ड्रमलिन ये होता है। ग्लेशियर चला गया, मिट्टी छोड़ गया, डिपोजिशन फीचर ड्रमलिन, ड्रमलिन इज डिपोजिशन फीचर, जो कि बताता, लिख लो ड्रमलिन का, लिख लो ड्रमलिन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट। क्वेश्चन आएगा विच डिपोजिशन फीचर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट, इट इज ड्रमलिन, ड्रमलिन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट, ठीक है। अब है आपका इसमें, मैंने और क्या लिखवाया इसमें, मोरेन वगैरह। ये देखो ओपन दिस डायग्राम जो भेजा है, ये जो लैंड फॉर्म्स है बिना उसके नहीं आएंगे, समझ आ रही है, एक पता लगना चाहिए ना कि देख के पता लगे हाँ यही मामला है। तो मोरेन्स गोल गोल पत्थर, ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट करे गए गोल गोल पत्थर मोरेन्स कहलाते हैं। एस्कर्स बोलो, मोरेन्स कह लो, अलग अलग वेराइटी है अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो मोरेन लेटरल मीडियल एंड दिस वन टर्मिनल, दिख गए, जो एंड में टर्मिनल, साइड में लेटरल, बीच वाला मीडियल, यही है मोरेन की कहानी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये डिपोजिशन फीचर्स हैं, पत्थर लाया ना, ग्लेशियर चला गया, बच गया क्या, पत्थर गोल गोल जनरली मिलते हैं, देखे होंगे तुम नदी के किनारे बड़े गोल गोल प्यारे प्यारे पत्थर होते हैं, है ना, मस्त एकदम। तो ये आपका ग्लेशियर टिल्स मिट्टी, ग्लेशियर टिल्स जो ग्लेशियर्स मिट्टी छोड़ जाते हैं, जो ग्लेशियर द्वारा एक ग्लेशियोफिलोवियल मिट्टी होती है, तो ग्लेशियर टिल्स टिल्स कहते हैं, ठीक है। एक और मामला क्या है इसमें, एस्कर्स और मोरेन की तरह आउटवॉश प्लेन्स, ग्लेशियर्स जो नीचे प्लेन बना गए, जैसे रिवर प्लेन होते हैं ऐसे ग्लेशियर प्लेन्स, डिपॉजिट होते होते नीचे आए, नीचे आके उन्होंने लाइक मामला डिपॉजिट किया, पिघल के चले गए, ग्लेशियर वहां पे नीचे आके पिघल के चला गया, नीचे आया, टेम्परेचर बढ़ा, पिघल गया, प्लेन बना गया, ग्लेशियर द्वारा बनाया हुआ प्लेन आउटवॉश प्लेन कहलाता है। डायग्राम देखो, डायग्राम सीधा डायग्राम, डायग्राम दिखाते हैं आउटवॉश प्लेन का। ये देखो इसमें, अच्छा इसमें मेंशन नहीं करा हुआ, ये वाला, ये देखो ये वाला डायग्राम देखो, पीछे ग्लेशियर आगे आउटवॉश प्लेन, ये और इसके ऐसा ही नीचे होगा, ये दिख रहा है आउटवॉश प्लेन, सिंपल खत्म कहानी। अब वेव एंड करंट्स इसको समझाते हैं अच्छे से बढ़िया से, आउटवॉश प्लेन, प्लेन ग्लेशियर द्वारा बनाए गए, सिंपल कुछ ऐसा, इसमें कुछ हमें घुसना नहीं है, आउटवॉश प्लेन है, ग्लेशियर नीचे तक आए, प्लेन एरिया क्रिएट करा, ग्लेशियर पिघल के चला गया, जो प्लेन बचा
आउट वॉश प्लेन, ठीक है। जैसे यू शेप डालिए, कुछ नहीं करना है, बस शेप यू है तो यानी ग्लेशियर बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उस टाइप में है ही ऐसे, प्लकिंग कर गया यू शेप बन गई, वी शेप में था ही नहीं वो। एस्कर सर काइंड ऑफ डिपॉजिट स्टोन्स, ग्लेशियर ऊपर है। देखो क्या होता है, कभी ग्लेशियर के नीचे से ना नदी बह रही होती है, हमें दिखता नहीं है, एक गुफा टाइप होती है, नीचे से नदी बह रही होती है, उस नदी के साथ साथ कुछ पत्थर होते हैं, उन्हें एस्कर्स बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं आएगा क्या चीज क्या है, बस इनका थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपको रट्टा मारना है इनका, इनको समझ लो, ठीक है। नॉर्मल चीज है, डिपोजिशन फॉर्म पत्थर टाइप समझो इसको, एस्कर्स, ओके। वेव वाले में कॉन्सेप्ट है, वेव वाले में कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। बोग्याल्स क्या? ग्रासलैंड वाला। ग्रासलैंड ऊपर मिलेंगे पहाड़ों में। प्लेन्स ही होगा ना? प्लेन्स, ग्लेशियल प्लेन्स, वो उसमें बोग्याल्स नहीं यार। बोग्याल्स आपके ना कम हाइट पे मिलते हैं, टॉप पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिडल हिमालयाज में बोग्याल्स, ऊपर जाएगा ठंडी में उसकी घास कह रहे, मतलब उसकी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, वो लाइक उसको टेम्परेचर फीजेबली नहीं रहेगा, तो क्या ही खाएगा और क्या ही चराएगा, ठीक है। ये नॉर्मल अलग प्लेन्स है ऊपर। अब सर्क्स वगैरह हैं, अब वहाँ पे टान लेक बनता है, कोई पीने थोड़ी जाता टान लेक का पानी, ठीक है। तो ये कहानी है, एक वही है कि मतलब आया जम गया स्नोफॉल, ठीक है, किसी कारणवश पानी रह गया तो उसे टान लेक बोल दिया, ओके। अब है वेव्स एंड करंट। देखो भाई दो टाइप के, बंद कर दो अब इस बुक को, अब बुक बंद कर दो। दो टाइप के कोस्ट होते हैं, दो टाइप के कोस्ट होते हैं, एक जैसे लाइक हमारे इंडिया में दोनों टाइप के ही, एक है आपका वेस्ट कोस्ट एक ईस्ट कोस्ट, लेकिन को दो टाइप का क्या बोला गया मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बन जाते हैं क्योंकि ये सबमर्ज कोस्ट है ना, गिरा हुआ कोस्ट है। यहाँ पे इरोजनल फॉर्म्स डोमिनेट है वेव की, यहाँ पे प्रॉपर खतरनाक लाइक डिपॉजिट वाले बीचेस नहीं बन रहे हैं, इरोजनल फॉर्म है ये, डिपोजिशन वाला, क्योंकि डेल्टास बना रहे हैं रिवर यहाँ पे, जहां पे रिवर्स डेल्टा बनाएंगी वहां पे डिपोजिशन वाला बीचेस बनेंगे, यहाँ डिपोजिशनल फॉर्म है, यहाँ पे इरोजनल है, ठीक है। इसकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बताया था, जो कि जहां पे कॉन्टिनेंट नीचे आ रहे हैं समुद्र के, कॉन्टिनेंटल सेल्फ अचानक से स्लोप शुरू हो जाता है, तो इसकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाइड है, दूर तक है, शिप अंदर नहीं आ पाएगी, यानी पोर्ट अच्छे नहीं बना रहा। इसकी छोटी सी है, शिप आ जाएगी, समझा रहा है। तो ये गाने से वाइड नहीं, नैरो इसकी वाइड है, यहां पे इरोजनल फॉर्म डोमिनेट है क्योंकि सबमर्ज कोस्ट है, नीचे दबा हुआ कोस्ट है, यहां पे डिपोजिशन है, यहां पे मस्त डेल्टा आ रहे हैं, मस्त और मिट्टी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं, सी वेव्स भी यही काम कर रही हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कोस्ट, इन्हें हाई रॉकी रॉकी कोस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट है प्रॉपर, इस तरह वाला हाई वाला पार्ट है, इधर थोड़ा नीचे झुका हुआ पार्ट है, लो सेडिमेंटरी कोस्ट, सेडिमेंटरी सेडिमेंट्स लाती हैं रिवर्स, इन्हें लो सेडिमेंटरी कोस्ट भी कहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट को इंडिया के, समझ आ रहा है। लिख लो इन दोनों में डिफरेंस, लिख लो डिफरेंस बिटवीन, इधर एक तरफ हाई रॉकी कोस्ट बनाओ, एक तरफ हाई रॉकी कोस्ट, एक तरफ लो सेडिमेंटरी कोस्ट, ठीक है। हाई रॉकी कोस्ट में लिखो तो इसमें एस्टुराइन बन रही है, राइट, एस्टुराइन बनती है ना, यहां पे बैक वाटर्स भी हैं। कौन सा ख्याल है? पुण्यवाड़ा ख्याल, बैक वाटर यानी पानी, आज समुद्र का पानी अंदर आ रहा है भाई, यानी रिवर डूब रही है, रिवर डूब गई समुद्र के पानी से, ठीक है। आपका रिवर वाटर जो है उसको समुद्र के वाटर ने ओवरराइड कर लिया, ड्राउनिंग जैसा फील होता है कि लाइक रिवर खत्म, रिवर को डुबा दिया समुद्र के पानी ने, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होती है अंदर, ओके। तो लिख लो इसमें, इसका पॉइंट नंबर वन लिखो, हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन, हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन, कोस्टल स्ट्रिप इज नैरो, लाइक नॉट वाइड लिख लेना, कोस्टल स्ट्रिप इज नॉट वाइड,
कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज नॉट वाइड, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज नॉट वाइड, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट. बस सबमर्ज्ड को लेकर पॉइंट ले, सबमर्ज्ड कोस्ट, सबमर्ज्ड कोस्ट. अगला पॉइंट, एरोजनल फीचर डोमिनेट्स. यस, एरोजनल फीचर्स डोमिनेट. एग्जाम्पल, केव्स, सी क्लिफ्स एटसेट्रा, केव्स, सी क्लिफ एटसेट्रा. लो सेडिमेंटरी कोस्ट में लिखो, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज वाइड, दे आर एग्जाम्पल ऑफ इमर्ज्ड कोस्ट. बाहर की तरफ और बढ़ रहे हैं, है ना, डेल्टा एस से बढ़ेगा, इमर्जेंस और भी ज्यादा होगी. एग्जाम्पल ऑफ इमर्ज्ड कोस्ट, कोस्टल स्ट्रिप बहुत वाइड है इसकी, कोस्टल स्ट्रिप इज वाइड. डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट्स, डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट्स. एग्जाम्पल, बीचेस एंड ड्यून्स. ड्यून्स उसमें लिखो, वो जो पहला वाला गया था हायरोकी कोस्ट में लिखो, हायरोकी कोस्ट में. गुड फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स, गुड फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स. बैगेट में लिख लेना नेचुरल हार्बर्स, लाइक चलो ठीक, गुड फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स, नेचुरल हार्बर्स, नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स. उसमें नॉट नेचुरल हार्बर्स एंड नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स डू नॉट फॉर्म. सेडिमेंट्री वाले में नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट कैसे बन जाएंगे, शिप तो डूब जाएगी, मतलब वही फंस जाएगी. ठीक है, ये कहानी है भाई. अब देखो तो मैं इनके फीचर्स कराते हैं बड़े प्यारे प्यारे, लिख लो और लिख के ना इसमें दिखाई देता हूँ डायरेक्टली, ये दिखाने वाली चीज है. लिखो इसके इरोजनल फीचर, लिखो इसके वेव एंड इसके इरोजनल फीचर्स. पहले हेडिंग डालो क्या थी, वेव एंड करंट्स इरोजन फीचर्स, वेव एंड करंट्स इरोजनल फीचर्स. इसमें लिख लो पहला क्लिफ, नंबर वन इज क्लिफ, नंबर टू टेरेसेस, नंबर थ्री केव्स, नंबर फोर स्टैक्स, एस टी ए सी के एस, स्टैक्स. ये वाला खोलो, देखो ये वाला डायग्राम खोलो, क्लिफ दिखेगी इसमें, वेव कट प्लेटफॉर्म में दिखेगा, दिख रहा, देखना पड़ेगा, टैबलेट छीन ली जाएगी. ठीक है, क्या होता है देखो यार, बड़ा सिंपल फिनोमेना होता है कि सबसे पहले वेव आती है, वहां पे पहाड़ी होगी कभी ना कभी, राइट, तो पहाड़ी को ब्रेक करती है, पहाड़ी को ब्रेक करती है क्योंकि वेव की स्पीड ऊपर नीचे अलग अलग है मामला. ठीक है, तो एक स्लैंट फैशन में करती है, स्लैंट फैशन में करेगी तो हमें ऐसा लगेगा जो कभी पहाड़ी यहाँ पे हुआ करती थी वो एक टाइम बाद यहाँ पे आ जाती है, ठीक रही है, और यहाँ पे हल्के से ना प्लेटफॉर्म बन जाता है ऐसे ऐसे, तो इन्हें वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं, इस टाइप से हो जाता है. और जो पीछे बच गई उस पहाड़ी का लाइक कुछ पोर्शन बचा उसे क्लिफ बोल दिया. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का कारण है, देखो भाई इसी के अगले एक डायग्राम है ऑरेंज कलर में, देखो ये, लुक एट दिस डायग्राम, दिख रहा है, क्रैक, केव, आर्च, स्टैक एंड स्टंप, दिख रहा है,
सबसे पहले वेव ने ठोकर मारी पहाड़ी पे, एक हल्का क्रैक सा डेवलप हुआ, ठीक है रे। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो क्रैक थोड़ा डेवलप हुआ, उसने केव बना दी। केव का जब दूसरा पोर्शन भी टूट गया पीछे की तरफ से, एक आर्च जैसा डेवलप हुआ, और वेव्स आई, वो पूरी की पूरी आर्च कोलैप्स हो गई। बीच में अलग से एक पिलर सा खड़ा हुआ देखा, वो है क्या आपका स्टैक, ठीक है। देखो पहाड़ी आगे थी किसी टाइम पे, पहाड़ी पीछे होगी, होगी नहीं होगी, और स्टैक भी कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पे। स्टैक भी धीरे धीरे ऊपर से घिसा, और जो छोटा इतना छोटा ऊपर से चमक ही रहा था, उसे स्टंप बोला गया। स्टंप भी गायब हो जाता है, ऐसे पहाड़ी पीछे होती जाती है। पहाड़ी पीछे होती गई, एक टाइम बाद पहाड़ी का वो छोटा सा पार्ट बचा, उसे क्लिफ बोला गया। क्या बोला गया? और आगे एक वेव कट प्लेटफॉर्म ना, स्लेंट वेव बचा इस टाइप से, क्योंकि ज्यादा आगे वो ज्यादा इरोड होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तोड़ के ले जाते हैं, और वो मिट्टी क्या कहते हैं पानी के साथ बोल्डर स्कॉबलर वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है, और भी ज्यादा इरोड करते हैं। तो वेव कट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेव ने बनाया उसे वेव कट प्लेटफॉर्म बोला गया। ऐसा होता है, आप देखो अपने आप ही नहीं बन गया, पोर्ट से बन गया अपने आप, आराम से आ सकती है। यस, ये पूरा यहां तक पानी आ जाएगा, ओके। तभी तो मार मार के तो पीछे कर दिया। इरोजनल फीचर्स है, अब आता है डिपोजिशनल फीचर्स, समझ आया? इरोजनल फीचर्स नॉर्मल, डिपोजिशनल फीचर में तो मैं एक बड़ी प्यारी सी बात बताते हैं, नाम है बैरियर बार्स, बार्स बैरियर बार्स, ये है आपका कोस्ट, ठीक है। यहां पे एक था बार, फिर ये बन गया ऐसे, ठीक है। रिवर, रिवर लगा ले, एक रिवर ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, रिवर नहीं चलो ऐसे रहने दो, ओके। फिर ये थोड़ा ऊपर आया, फिर ये भाई साहब, ये ना ये लैंड सरफेस एरिया, फिर ये भाई साहब एक साइड से चिपक गए, एक साइड से चिपक गए, फिर एक टाइम आया ये भाई साहब दोनों साइड से चिपक गए, ठीक है। इसे बोला गया ऑफशोर बार्स, यानी कि बार, दिस इज ऑफशोर बार या फिर बार, बार क्या होता है, क्या होता है, चॉकलेट बार, चॉकलेट बार, बार ओके, ठीक है। ऑफशोर बार, ये है बैरियर बार, बैरियर बार, दिस इज क्योंकि एक साइड चिपक गया, क्या बोलेंगे इसे, क्लिफ स्प्लिट्स, स्पिट्स, स्पिट्स, एस पी आई टी एस, स्पिट्स, एंड दिस इज लगून, ठीक है। ऑफशोर बार, बैरियर बार, स्पिट्स, लगूंस, क्यों बन रहे हैं ये? ये लॉन्ग शोर करंट जो यहां पे पानी बह रहा है समुद्र का, उसकी वजह से बन रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग शोर करंट, लॉन्ग शोर करंट्स, ये डिपोजिशन फीचर्स हैं। क्या होता है रे, देखो समुद्र के पानी में मिट्टी होती है, वेव्स अपने साथ मिट्टी डिपॉजिट करती हैं। मिट्टी उन्होंने इतनी ज़्यादा डिपॉजिट कर दी कि एक ऐसा फीचर दिखता है जो कि हल्का सा सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, पूरा ऊपर नहीं है, सबमर्ज्ड, हमें फील हुआ यहाँ पे कुछ मिट्टी ऐसा मामला है, इतने पोर्शन में बस। तो उसे क्या बोला गया? हाँ, पानी के अंदर, बाहर नहीं है, ये सबमर्ज, हल्का आधा ऊपर आधा नहीं, हल्का, समझ रहे हो, एक एकदम इक्विलिब्रियम वाला पोजिशन एकदम। उसे क्या बोला गया? बार। क्या बोला गया? बार, या फिर ऑफशोर बार। ऑफशोर क्यों? हमारे शोर यानी सी कोस्ट के पास में, ठीक है। जब वो बार दिखने लग गया प्रॉपरली, सी के ऊपर आ गया, उसे बैरियर बार बोला गया। क्या बोला गया? बैरियर बार। अब वो समुद्र का पानी तो मिट्टी ला ही रहा है कॉन्टिन्यूसली, जब वो ज्यादा मिट्टी लाया तो दिखने लग गया, है ना, और मिट्टी लाया, उसने एक साइड से चिपका दिया उसको,
ठीक है, एक साइड चिपकाया था उसको क्या बोला गया, स्पिट्स। इसने जब दूसरी साइड से भी चिपका दिया तो प्रॉपर क्या हो गया, एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं बन गई। यहां पे क्या होगा, पानी होगा नहीं होगा, पानी होगा, लगून बोला, चिल्का ले लगून्स, ठीक है। और ये लगून क्या होता है, यहां पे रिवर वाटर आता है, ठीक है, रिवर वाटर नहीं छोड़ो, यहां पे क्या हो, विद टाइम पानी एवापोरेट हुआ, या फिर डेल्टा की वजह से यहां पे ऑल लैंड सरफेस आया, पानी खत्म हो गया, ठीक है। ये लाइक एंड प्रोसेस बता रहा हूं, लगून क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, लगून फॉर एक लैंड एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिपोजिशन फीचर है ना यहाँ पे, और डिपोजिट यहां पे तो लाइक पानी तो अब घुस ही नहीं सकता अंदर, क्लोज ही कर दिया मामला, ओके। तो दिस इज द केस कि इंडिया में मामला है आपका, इंडिया के कुछ कोस्ट देखना है यहां पे, ये देखो चिल्का लेक में देखो लगून टाइप बनता जा रहा है धीरे धीरे, दिख रहा है अपने उसमें मैप में, देखो ओपन द मैप, ओपन द मैप, बिल्कुल डॉल्फिन नोज, बिल्कुल दिस इज दिस थिंग डिपोजिशन फीचर्स, बिल्कुल पूरा घेर लिया उसको, दिख रहा है चिल्का लेक, हाँ ना इसमें छोटा दिखा रहा है, यस बंद हो जाएगा, बिल्कुल वहां पे एकदम यहाँ पे वेटलैंड टाइप बन जाएगा, और होगा तो फिर पूरा एकदम वाला मिट्टी वाला मामला बन जाएगा। ये बहुत यूजफुल होते हैं, मान लो सुनामी आई, सुनामी को पहले ये लोग टैकल करते हैं, पहले सुनामी को पहले ये टैकल कर दिया। देखो एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनना, ये एक पत्थर है, यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे हथौड़ा मार के गया, ठीक है, नहीं टूटा उससे, 20 बंदे आए नहीं टूटा, 21वां बंदा आया मारा टूट गया, क्या 21वें बंदे में ज़्यादा ताकत थी क्या, वो पहले वाले जो बंदों ने मार के उसको ढीला कर दिया था मामला, उसकी वजह से टूटा, तो ऐसे ताकत ढीली होती है। तो यहाँ पे ये पहले उसका ताकत झेल लेते हैं सुनामी की, तो सुनामी को बचाने के लिए ये बहुत अच्छे प्रोटेक्टर्स होते हैं सुनामी से बचने के लिए, ठीक है, दे एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सुनामीज एंड स्टॉर्म सर्जेस एंड क्लाइमेटिक फिनोमेना साइक्लोन्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ी रह रहे हैं तो हमारा कुछ घाटा भी नहीं होता, तो दे आर द प्रोटेक्टर्स, तो दीज आर डिपोजिशन फीचर्स, समझ आए कैसे बने, इसको डायग्राम को बना लो ताकि समझने के लिए अपने। अब आते हैं विंड्स के ऊपर, विंड्स, विंड्स काम करती है तीन प्रोसेस पे, वही काइनेटिक एनर्जी, विंड्स डोमिनेट कहाँ पे होंगी ज्यादा, डेजर्ट वाले एरिया में, है ना, जहाँ पे मिट्टी आराम से हवा से जो हवा है आराम से मिट्टी उठा सके, है ना, डेजर्ट वाले एरिया में ज्यादा अच्छी रहेंगी। विंड का जो काम है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, डिफ्लेशन, एबरेशन एंड इम्पैक्ट, क्या जो फोर्स आती है विंड के पास वो किससे आ रही है, डिफ्लेशन एब्रेशन एंड इम्पैक्ट से, क्या होता है देखो बताएंगे, ग्लेशियर क्या था रहे, ग्लेशियर में कहां से आई थी, वेरी गुड, विंड आई आपकी डिफ्लेशन एब्रेशन इम्पैक्ट, डिफ्लेशन क्या है, मिट्टी उठाना एक जगह से, एक जगह से मिट्टी उठा ली, क्या बोल दिया उसको, ठीक है मिट्टी उठा ली यहां से, सपोज मिट्टी उठा ली, एब्रेशन मिट्टी उठा ली हवा के साथ चल रही है आपस में रगड़ रही है नीचे रगड़ रही है, ये थोड़ी हवा में मिट्टी उड़ती जा रही है एकदम सीधी सीधी नीचे घसीटती घसीटती हुई जाएगी, तो ग्लेशियर वाली एब्रेशन। और इम्पैक्ट जब सपोज सामने आ गई कोई रॉक या कुछ भी आ गया सीधा जब इम्पैक्ट मारती है, यार सैंड ब्लास्टिंग की तरह होता है, बहुत बहुत तगड़ी पावर लगती है, आप सैंड स्टॉर्म में खड़े नहीं हो पाओगे, आंखें भर जाएंगी मिट्टी से प्रॉपर धुंधला एकदम, ठीक है। अभी एक इंटरस्टेलर मूवी देखी किसी ने, उसमें आता है ना सैंड, ये सैंड वाले जो सैंड स्टॉर्म्स है, ठीक है, तो ये वाला मामला है, जब ये पूरी मिट्टी मिट्टी वाली हवा, मिट्टी 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 मिट्टी, कोई रॉक है यहाँ पे, ठीक है, उसमें अटैक मारते हैं सीधा भड़ुम, तो इम्पैक्ट कहते हैं इसे, ठीक है, तो इम्पैक्ट करती है, तो कभी देखना डेजर्ट में तुम्हें ऐसी रॉक्स मिलेंगी, इन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं, टेबल टाइप रॉक्स कहते हैं, समझ आ रहा है क्यों हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ दिस, ऊपर वाले को क्यों नहीं मारा, क्यों मिट्टी है, विंड के पास ज्यादा वो दिक्कत थोड़ी है, ऊपर मार दिया, तो दिस इज क्या बे, क्या कह रहा हूँ भाई, कह रहा दिखा है, मैंने नहीं दिखा, अच्छा राजस्थान में, रेगिस्तानी है,
जो तो जो तुमने डेजर्ट कहा भी इतना पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन है यार पानी की कमी है वहाँ, पानी की कमी है, पानी की कमी है, मिट्टी भी ऐसी है थोड़ी एकदम एरिड सी है। देखी थी क्या दिक्कत है फिर? पता नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बिस्लेरी हर जगह है, वो ठीक है, ऊट है गधे नहीं है एड। तो ये कहानी है, तो लिख लो, विंड एक्शन ऑफ विंड्स, एक्शन ऑफ विंड्स डिपेंड्स अपॉन थ्री प्रोसेसेस, दीज आर डिफ्लेशन, एब्रेशन एंड इम्पैक्ट। इरोशनल फॉर्म्स, इरोशनल में लिख लो, इरोशनल लैंड फॉर्म्स लिख लो, पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स, पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स, नंबर वन। नंबर टू पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स। नंबर थ्री पलायास, PLAYAS, पलायास। नंबर थ्री डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स, मतलब अलग अलग हैं, डिफ्लेशन हॉलोज एंड नेक्स्ट इज केव, डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स। लास्ट वन इज मशरूम टेबल और पेडेस्टल रॉक, एक ही नाम है, मशरूम रॉक, टेबल रॉक या पेडेस्टल रॉक, ये जो मैंने बना दिए इस टाइप से बन जाता है, ठीक है, मशरूम ऐसे टाइप, ठीक है, टेबल और पेडेस्टल रॉक, ठीक है भाई। ओपन डायग्राम, ये रहा सूखा सूखा, सबसे ऊपर होगा, ठीक है। देखो कोई जैसे लाइक बड़ी पहाड़ी थी, कोई जैसे कोई बड़ा पहाड़ था, यहाँ पे विंड्स आती गई, मारती गई इसको, लाइक क्या कहते हैं, इरोजन करती गई, इससे टूट के एक छोटी सी पहाड़ी बची यहाँ पे, ठीक है। आगे छोटी सी पहाड़ी बची, उसे पेडिमेंट्स बोला गया, क्या बोला गया, प्रॉपर रॉक है, कोई मिट्टी विट्टी नहीं है, छोटी है, दिख रहा है पेडिमेंट, उसमें पेडिमेंट्स, पहाड़ी रॉकी सरफेस विद स्मॉल माउंटेन्स, स्मॉल माउंटेन को पेडिमेंट्स कहते हैं। और जब ये पहाड़ी भी घिसके बस एक प्रॉपर पथरीला इलाका बन जाता है, उसे पेडी प्लेन्स कहते हैं। पेडी प्लेन्स आर बेसिकली इरोजिव फॉर्म्स ऑफ विंड्स, कोई वहाँ पे सॉइल वगैरह नहीं है, पथरीला इलाका है, सीधा फ्लैट, ठीक है, पेडी प्लेन्स। पलायास क्या है, रेगिस्तान में कहीं कहीं पे, देखो क्या होता है बताता हूँ, साबरमती रिवर है राजस्थान में, वो इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, यानी वो किसी लेक में जाके गिरती है, समुद्र में नहीं गिरती, समझ आ रही है। तो जब वो लेक में जाके गिरती है, क्यों, कि वहां पे उसके पास पावर नहीं है, पानी नहीं है, गायब होती जा रही है, ओके, तो गायब होती जा रही है क्योंकि एरोजन उस लाइक एवोपरेशन ज्यादा हो रहा है उसमें, तो ऐसा लगता है कि एक लेक में गिर रही है। रेगिस्तान में जो लेक्स होते हैं उन्हें पलायास कहते हैं, जैसे आपके साउदर्न में कयाल्स कहते हैं, लगून उधर कहते हैं आपके कोस्टल एरियाज में, उधर वाले ईस्टर्न वाले में, एंड हेयर यू कॉल देम पलायास। पलायास में कभी कभी पानी होता है, PLAYAS, और कभी कभी नहीं होता है, क्यों, एवापोरेशन ज्यादा है इसलिए पानी गायब हो गया। तो ये दे आर द गुड साइट्स ऑफ सॉल्ट एक्सप्लोरेशन, नमक निकालने की बहुत अच्छा एरिया है ये, पानी गायब हो गया, सॉल्ट सॉल्ट रह गया, रेगिस्तान में मिलेंगे पलायास, सीजनल लेक्स हैं ये, एकदम खारा पानी, ठीक है। पलायास राजस्थान एरिया, साबरमती रिवर पलाया में गिरती है, साबरमती, 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 साबरमती क्या नाम है उसका, अबे नहीं सांबर एक अलग है, वो तो साबरमती तो गिरती है इधर, साबरमती माही नर्मदा तापी, लूनी 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 सॉरी लूनी लूनी रिवर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, पलाया, लूनी पलाया में गिरती है, ठीक है, लूनी रिवर। तो ये कहानी है।
समझ आया रे, पलाया क्या होता है? डिफ्लेशन हॉलोस, मैंने बताया डिफ्लेशन मतलब जहां पे वो से मिट्टी उठा के ले आ रही है वहां पे हॉलो क्रिएट हो गया, क्या बना? डिफ्लेशन हॉलो। केव क्या हो गया? मिट्टी को जाके मारा पहले पहाड़ी को, पहाड़ी कैसे पीछे हुई? पहले यहां पे इसने केव बनाई होगी हल्की सी क्रैक, केव, सेम काम होता है बस विंड करती है, केव बना दी तो क्या हो गया? केव बन गई। समझ आ गई? डिपोजिशन में इनके ये बनाते हैं ड्यून्स। विंड बहुत अच्छा सेग्रीगेटिंग एजेंट होती है। लिख लो डिपोजिशन फीचर के नाम, लिखो फटाक से, बारचान या बारकान, बी ए आर सी एच एन, बारकान, सीफ, सीफ, पैराबोलिक ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून, वही ड्यून ही लिख लो, पैराबोलिक क्या लिखो, बस ड्यून लिख लो, तीन लिखो बस, सीफ, बारकान एंड ड्यून्स। अब ड्यून वो तीनों ला जाएंगे अपने आप, पैराबोलिक, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ड्यून्स। बारकान मून लाइक, ये देखो बारकान ऐसे होता है, समझ आ गई? और उसमें विंड डायरेक्शन होती है इस टाइप से, पीछे से आएगी विंड यहां पे, समझ आ रही है? विंड जब ऐसे आएगी और ऐसा शेप बनेगा उसे बारकान्स कहेंगे। विंड जब जब ऐसा ही शेप बना लेकिन विंड आगे से आ रही है उसे पैराबोलिक ड्यून कहेंगे। बस इतना डिफरेंस होता है बारकान और पैराबोलिक ड्यून में, ऑपोजिट विंड डायरेक्शन, ठीक है? दिस इज पैराबोलिक ड्यून्स और दिस इज बारकान विंड डायरेक्शन का। सीफ क्या होती है? सीफ बारकान ही होता, बारकान ही होता है लेकिन उसका एक एक ही होता है मामला, लाइक दिस इज सीफ, समझ आ गई? या और भी छोटा कर लो इसको, यस, विंड की डायरेक्शन चेंज हुई, एक तरफ ही बढ़ता गया मामला, ठीक है? तो सीफ का एक हॉर्न नहीं होता, एक लेग नहीं होता और दूसरी टाइप से बढ़ती जाती है। देखो डायग्राम में दिख जाएगा सीफ मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। ये ड्यून्स है, माउंट्स, रेगिस्तान में देखे होंगे छोटे छोटे पहाड़ी ऐसे टाइप, नहीं वो तो मेरे को पता है। रेत सारे रेतीले हैं, सारा मामला रेतीला है, रेत से एकदम। ड्यून्स रेगिस्तान में, प्रॉपर दिमाग में लाओ, रेगिस्तान जैसी चीज, ठीक है? जैसे बीएसएफ बॉर्डर पे बॉर्डर दे रही है, गार्डिंग कर रही है, और वहां पे क्या हुआ, ठीक है? समझ आ गया? देखो देखो देखो, ओके, तो दीज आर बेसिकली सैंड ड्यून्स, ठीक है? सो ये थे आपके सारे के सारे डिपोजिशनल फीचर्स आपके, किसके, लैंडफॉर्म्स के। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा आपका, कैसा क्वेश्चन आएगा, इरोजनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर और किसने बनाया। ज्यादा डीप पूछ लिया, बोले कैसे बनाया, बता ही दिया, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज द मेन फोर्स बिहाइंड द इरोजन डिपोजिशन। बोल दिया ग्लेशियर किस फॉर्म में यूज करता है, बोला कि एब्रेशन एंड प्लकिंग, बोला कि ग्राउंड वाटर कैसे काम करेगा, बोला डिसॉल्विंग टाइप ऑफ रॉक, डोलोमाइट लाइमस्टोन, है ना, बोला विंड, बोला ये डिफ्लेक्शन इंपैक्ट, रनिंग वाटर क्या करेगा, वो तो काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर, जहां पे एलिवेशन वहां पे काम करेगा, क्या यूथ मैच्योर ओल्ड एज, ठीक है? यूथ में क्या बनाया, रैपिड्स, वाटर लाइक वाटरफॉल, वी शेप्ड वैली, यूथ है, मार रहा है एकदम मामला, तोड़ के ले जा रहा है, तो ये कहानी है, समझ आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट लैंडफॉर्म एवोल्यूशन। ये चैप्टर ज्यादा देख के आता है, देख तभी उन्हें मैंने तुम्हें इमेजेस दिखाई, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी ठीक से नहीं दी हुई स्टार्टिंग की, तो इतना मेरा लगता है मुझे अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होगी क्या मामला कैसे बन रहा है, बस इसको याद करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, नेम द टू कंट्रीज विच डू नॉट फॉर्म बॉर्डर विद ब्राजील, पैराग्वे एंड बोलीविया, ठीक है? एटमॉस्फेयर क्या है, एन ओ ए कर ने हे कर जे हद, ये है एन टू ओ टू अर्गोन सी ओ टू, ये वो एन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगी ना, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेरॉन, हाइड्रोजन,
सही लिखा है, सही लिखा है। एटमॉस्फेयर इज बेसिकली क्या होता है, एटमॉस्फेयर अर्थ के जो एयर सराउंड है, एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। समझ आ रही है इतनी सी बात, अर्थ के पास ये अच्छा वाला सबके पास है, लेकिन अर्थ के पास काफ़ी मिक्सचर है, ये अराउंड 78, अराउंड 21, ऐसे करके नीचे कम होता जाता है, ठीक है। तो इसकी क्रोनोलॉजी भी आती है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है, सेकंड ओ टू, थर्ड जनरली सी ओ टू लगता है लेकिन नहीं है, एन ओ ए, ठीक है, लिख लो इसको। कंपोजिशन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, क्रोनोलॉजी लिख लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन हीलियम क्रिप्टॉन ज़ेनॉन हाइड्रोजन, ऊपर के चार एन ओ ए, इतना याद रखो तब भी चल जाएगा, ठीक है भाई। नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर 32 किलोमीटर तक है बस, ऊपर तो फिर एकदम छोटा छोटा पार्ट रह जाता है। अर्थ से 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे सारे एटमॉस्फेयर 99% एटमॉस्फेयर, 99% ऑफ द गैसेस 32 किलोमीटर अंडर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर जाएंगे ग्रेविटी नहीं लगेगी, मामला अलग, ओके लिख लो। ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक है, 120 किलोमीटर बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता, एकदम निग्लिजिबल क्वांटिटी में बचती है। CO2 एंड वाटर वेपर H2O ये 90 किलोमीटर तक है, ओके ऑक्सीजन 120, CO2 एंड H2O 90। अब आते हैं लेयर्स, लेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट है लेयर्स। लेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेयर में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो ये समझ आ गया ना ये मामला। अब लेयर्स बना, लाइक तसम थे बोले तो ट्रोपोस्फेयर, ऐसे अगर नीचे से ऊपर जाएंगे सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, सही लिखा है ना बे, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और क्या कहते हैं अनुराग, आयनोस्फीयर, आयन्स होती है इसमें, लास्ट वाला एग्जोस्फीयर, इसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखो आप कुछ इस तरीके से हम लोग नीचे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे इसके नीचे अर्थ है ना, अर्थ के सराउंडिंग से पहले क्या आएगा, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेजोस, एग्जो, ऐसे करके, समझ आ गई। तो सपोज ये एल्टीट्यूड्स है, हाइट, ओके, तो पहले पे आ गया आपका 8 से 18, तो एवरेज 13 लगा लो, वैसे 13 कहते हैं एवरेज, लेकिन उन्होंने 10 दे रखा है शायद इसमें डायग्राम में, हाँ 10 तक दे रखा है, तो हम लेंगे भी, लेकिन बेसिकली चलो 10 ही ले लेते हैं, फिर 50 दे रखा है इन लोगों ने, फिर 80 और फिर 400, सही है, 50, 80, 400, देखो रे ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर, ये क्या आपका ट्रोपोस्फेयर, मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर में क्या काम होता है, नॉर्मल लैप्स रेट लगता है, मतलब हर एक किलोमीटर पे क्या होगा, टेम्परेचर -6.5 डिग्री घट जाएगा, समझ आ गई भाई। तो यहां पे अगर सपोज यहां से मैं नाप रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर की लाइन है, दिस टी, तो टेम्परेचर घट रहा है, समझ आ रही है, ऐसे आगे बात समझ में। जनरली ट्रोपोस्फेयर की खास बात क्या है, ये होता है 8 से 18 किलोमीटर, 8 से और एवरेज आएगा तो इसका आता है 13 किलोमीटर तक, समझा गई, एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर,
बट इट इज रेंजेस बिटवीन 8 से 18. 18 कहां पे होगा? 18 किलोमीटर तक कहां पे? इक्वेटर पे या पोल पे? पोल है, इक्वेटर पे. क्यों? राइट क्यों? पोल पे 18 किलोमीटर है, इक्वेटर पे, सॉरी पोल पे 8 है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक. क्यों? इक्वेटर पे वार्मिंग होती है, पानी ऊपर तक जाता है, कन्वेक्शन है प्रॉपर तरीके का. इक्वेटर पे क्या है? सन चमक रहा है भाई, कन्वेक्शन करंट है. कन्वेक्शन तीन टाइप के, रेनफॉल, रिलीफ यानी ओरोग्राफिक, पहाड़ी वाली, विंडवर्ड, लीवर्ड, लीप ईयर. ठीक है. दूसरी कन्वेक्शन, पानी गर्म हुआ उड़ गई, कहां पे होती है जनरली ये? इक्वेटर पे. आगे पढ़ाऊं, क्लाइमेट में आएंगे पढ़ाएंगे, सो और भी अच्छी तरह पढ़ाएंगे. साइक्लोनिक, तीसरी साइक्लोनिक. तो इक्वेटर पे कन्वेक्शन करंट होने की वजह से एटमॉस्फेयर ऊपर तक जाता है, 18 किलोमीटर तक पहुंच गया. पोल्स पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर. पोल्स पे हाई प्रेशर है, सब्सिडेंस होती है, गियर नीचे गिरती है, गिर रही है तो आपका हाइट कम है, 8 किलोमीटर. समझ आ गई? तो एवरेज अर्थ का लगाया 13, ऐसे एवरेज लगाया मान, नॉर्मल. यही वो लेयर है जहां पे क्लाउड्स बनते हैं भाई, ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड बनते हैं. हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं तो ना, तो भी इसलिए इन्होंने ये ले लिया. आईटी सीट घूमेगा कहां पे? ट्रॉपिक्स में तो घूमेगा, 23 से 23 ऊपर थोड़ी चला जाएगा, क्योंकि सन तो उससे आगे जाता ही नहीं है, मतलब अपेरेंट मूवमेंट है ना, यही कहा है, पोल पे थोड़ी चला जाएगा सन, अपेरेंट मूवमेंट उसके बीच में रहेगी. तो इक्वेटोरियल वाला पार्ट हम मान के चलते हैं वहां पे, लाइक मैंने बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम क्योंकि इक्वेटर पे तो हमेशा रहेगा रहेगा, इक्वेटर पे तो लाइट रहेगी रहेगी, क्योंकि वो दोनों के बीच में पड़ रहा है. ठीक है, इसलिए इक्वेटर में क्या मामला है आपका, ना वहां पे सर्दी होती ना गर्मी होती, थ्रू आउट द सेम. ठीक है, इक्वेटर पे आपका बारिश वगैरह होती रहती है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है वहां पे. एक थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल रहता है वहां पे, कोई ड्राई सीजन नहीं है, डेली बारिश थोड़ी थोड़ी, दिन में गर्म हुआ शाम तक बारिश टपक लेती है. ठीक है, तो ये चीज है. तो यहां पे क्लाउड्स बनते हैं, टेम्परेचर गिर रहा है. समझ रहे क्यों गिर रहा है? विद हाइट लैप्स रेट आया, एल्टीट्यूड के कारण टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया. ठीक है रे, आपका और क्या कहानी है यहां पे? कहानी ये है कि यहां पे क्लाउड्स बनते हैं, इसी लेयर पे, इसी लेयर की वजह से बारिश हो रही है, क्लाउड्स यहीं बन रहे हैं. जब क्लाउड्स यहां बन रहे हैं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे इंसानों के लिए. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जहां पे पानी की जरूरत है, उसके बिना लाइक बिना वाटर के काम नहीं चलेगा भाई. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. चारों में से कंपेयर करें जितने पांचों हैं, फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. फॉर मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी इन द सेंस जो अपना ये जो अपना देखते रेनफॉल वगैरह, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं, CO2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट्स अ ग्रीन हाउस गैस. इसकी वजह से ज्यादा मामला गड़बड़ हो रहा है. तो कोई पूछे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? नॉट ऑक्सीजन, वो तो नॉर्मल इंसानों के लिए. ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, लाइक दिस इज ज्योग्राफिकल टर्म. ठीक है, तो ये कहानी है भाई. तो आपका ये यहां पे बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी. इसके बाद एक लेयर आती है, तुम बुक में देख रहे हो, ओपन द बुक, बुक में डायग्राम देखो, बुक खोलो. एटमॉस्फेयर निकालो, अबे पहला चैप्टर ही है उसमें, क्लाइमेट में पहला चैप्टर. हाँ, 73. आगे चले गए, एक इसी यही है, ये बस 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 यही. ठीक है, इसके बाद एक लेयर आई जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसे ट्रोपोपॉज कहेंगे. क्या कहेंगे? ट्रोपोपॉज. समझ आ गई? जो यहां पे टेम्परेचर था वही यहां पे रहेगा, तो पॉज हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, ट्रोपोपॉज कह दिया. ट्रोपोपॉज के बाद एक नई लेयर शुरू होती है जो कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. इट इज द लेयर
विच हैज ओजोन, ओजोन मिलती है भाई किसके बीच में, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में क्वेश्चन आता है बहुत बार, इट इज लाइक 10 डिग्री सेनाल, बार बार आता है। ओजोन कहां मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर। जब देखो, जब एक आंसर सेलेक्ट करना हो तो आंसर डालना स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन अब ध्यान से देखो इसका वो डिस्टेंस कितना है, 10 से 50, तो 10 तो यहां पे भी आ रहा है, मैंने बताया 8 से 18 के बीच में है ना, आएगा नहीं आएगा इसमें भी 10 आएगा। तो ओजोन थोड़ी सी ट्रोपोस्फेयर के पास भी होती है, बैड ओजोन नहीं बता, थिन लेयर ऑफ ओजोन इज देयर, ठीक है। बैड ओजोन क्या होती है, बाद में होती है, उससे पहले बैड ओजोन होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जो नीचे आ जाती है। हार्मफुल ओजोन, ओजोन हार्मफुल होती है, बिल्कुल सही बात है। O3 इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, O2 इज गुड, ठीक है, बट हार्मफुल है, लेकिन अच्छा ओजोन नीचे भी आ जाती है। ओके, जो फोटोकेमिकल स्मॉग्स हैं इनमें भी ओजोन ही बनती है नीचे आके, ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूशन। ओके, खैर इसकी बाद में करेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज बेसिकली हैज द मेजर अमाउंट ऑफ ओजोन, समझ आ रहा है इतने से बात, 10 से 50 किलोमीटर पहली चीज। सेकंड चीज, अगर वन मोर देन वन ऑफ द क्वेश्चन सुनने को आए तो ट्रोपोस्फेयर को भी आंसर मारना, क्योंकि रियल में तो यहां पे भी है, अगर इसके टाइम देखें डिस्टेंस तो, क्योंकि 8 से 18 है और ये 10 से 50 के बीच में मिल रही है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ओजोन इज बेसिकली इन बिटवीन बोथ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, आंसर एक लगाने का है तो स्ट्रेटोस्फेयर मारना, सीधा बता रहा हूं, क्योंकि मेजर वहां पे, इट इज लाइक क्या, इज अ पार्लियामेंट एंड लोकसभा, पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे तीन होते हैं, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन लोकसभा की जगह हम कभी पार्लियामेंट वर्ड बोल देते हैं, तो सेम ही बात होती है, जब डीप में जाते हैं तो पता लगता है लोकसभा इज डिफरेंट, जैसे आपका पीएम इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इज पार्ट ऑफ लोकसभा, एक ही बात, ठीक है। तो खैर, तो ये दोनों में है लेकिन मेजर स्ट्रेटोस्फेयर में, समझ आ गया। ओजोन हेल्पफुल होती है, क्यों, हमारी यूवी रेस से बचाती है, ठीक है, यूवी रेस से बचाती है। अब क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी रेस कहां से आ रही है, सनलाइट से, ओजोन एब्जॉर्ब सनलाइट, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी तो भैया क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लेयर आती है, फिर वही स्ट्रेटोपॉज है ना, फिर दोबारा से घटता है 80 सेंटीमीटर 80 किलोमीटर तक, ये स्ट्रेटोपॉज में, स्ट्रेटोपॉज में थोड़ा कांस्टेंट, फिर घटता है, दिस इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की क्वालिटी है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड मिलते हैं इनके पास, दैट इज कौन से क्लाउड मिलते हैं यहाँ पे, मेसोस्फेयर। अबे क्लाउड तो यहाँ पे आ गए ना सारे के सारे, लेकिन इसमें अलग टाइप के क्लाउड मिलते हैं, दैट इज नॉक्टी ल्यूसेंट क्लाउड, नॉक्टी न्यूसेंट क्लाउड मेसोस्फेयर में मिलते हैं। पूछना कैसे, ये मत पूछना कैसे होते हैं, बस याद कर लो इसको, नॉक्टी ल्यूसेंट क्लाउड्स आर फाउंड इन मेसोस्फेयर, क्योंकि मेजर क्लाउड इससे आता है क्वेश्चन, इससे टाइप्स में इससे आएगा, इसका बस फैक्ट आएगा, ठीक है। एक और चीज, ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड कोई एरोप्लेन में बैठा रहे और बादलों के नीचे उड़ता है ऊपर, तो बेसिकली किस लेयर में उड़ेगा, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में उड़ेगा, समझ आ गई। एरोप्लेन यहां दिखेगा तुमको, बढ़िया बन गया भाई खैर ड्राइंग है भाई, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एरोप्लेन उड़ेंगे, हॉट एयर बलून सब, हॉट एयर बलून तो नीचे उड़ा लो वैसे, ज्यादा ऊपर काम जो बेचारे को, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी कि बादलों में क्यों नहीं उड़ता, कि टर्बुलेंस फील होती है उसको वहाँ पे, ठीक है, टर्बुलेंस फील होगी, कि वहाँ पे टर्बुलेंस वाला एरिया ना हॉट एंड लाइक वहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, हॉट एयर ऊपर गई ठंडी हो रही है, बादल बना रही है, क्या पता बादलों में हेल स्टॉर्म हो, बुड़म बुड़म हो जाएगी, ऊपर भी धच्चियाँ लगती हैं भाई, टर्बुलेंस की वजह से बुड़म ऐसे हो जाता है ऐसे कड़ुक कड़ुक, ओके मजा आता है कभी एरोप्लेन में चढ़ के जूते या चप्पल उतार लेना और उसके जो फ्लोर है ना उस पर पाँव रखना, वाइब्रेशन बड़ी प्यारी फील होती है,
मस्त फुट मसाज, ओके। तो ये कहानी है। तो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर बोल रहा हूँ, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से अगला आता है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर है फिर थर्मोस्फेयर। अब इसमें टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सन के पास जाते जा रहे हैं। ऐसा होता है ना कि सन के, भैया हम, तुमने ऐसे पूछा नहीं मेरे से, भैया हम आप तो ऊपर जा रहे हैं सन के पास जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए घट क्यों रहा है। दिस इज लैप्स रेट, एक फिनोमेना होता है लैप्स रेट बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, ओके। कि यहाँ पे आपका मामला गया है ठंडा इलाका थोड़ा ऊपर, ओके। यहाँ पे सन के पास जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे ये जो आपकी जो मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, टीवी कम्युनिकेशन होती है, सब यहां से आती है, समझ आ रही है। रेडियो वेव्स यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, देखिए यहां पे आयन्स हैं, इसे आयनोस्फेयर भी कहते हैं, इसे थर्मोस्फेयर को। इसके बाद आता है आफ्टर दिस वन 80 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक होता है एक्सोस्फेयर, सॉरी 400 किलोमीटर तक क्या हुआ आयनोस्फेयर, 400 के बाद आपका आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर गलत बोला थोड़ा, स्ट्रेटोस्फेयर मेजोस आयनोस, हाँ सही। इसके बाद एक्सोस्फेयर आता है। एक्सोस्फेयर कब स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं है, लाइक कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, कोई किलोमीटर वाली बाउंड्री नहीं है, तो आउटर स्पेस में मिल जाता है। सो दिस इज एटमोस्फेयर ऑल यू हैव, ओके। एटमोस्फेयर में सब कुछ है, वाटर और वेपर भी है, एक्सोस्फेयर में कुछ नहीं है, बस आउटर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है, सब है इसमें। क्या बोल रहा हूँ, एक्सोस्फेयर बोल रहा हूँ इसमें, हाँ आपके एटमोस्फेयर में सब है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, लेयर्स हैं, सैटेलाइट आपका भेज दिया और भी बाहर भेज देंगे, सैटेलाइट भेज देंगे आपके एक्सोस्फेयर में भेज देंगे बाहर आउटर स्पेस में घूम रही है, ओके। अराउंड इसमें आयनोस्फेयर वाले पार्ट में भेज सकते हैं सैटेलाइट को, 100-200 किलोमीटर में भेज देते हैं वो लोग, हाँ आउटर स्पेस। सो दिस इज द थिंग ऑफ एटमोस्फेरिक लेयर्स, इसमें क्वेश्चन आएगा बेसिकली, ठीक है ना। सोलर रेडिएशन बनाना है, बस लिखना क्या इसमें, सत्संग चल रहा है, बनाते रहो साथ साथ, बना लो इसको। मेसोस्फेयर ऊपर कहाँ पे, अच्छा कम हो रहा है, ये इस लेयर में कम ही होता है, कम होता है इस लेयर में कम, ठीक है, वजह मत पूछो, बस ये ऊपर जा रहे हैं कम हो रहा है, इसमें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड है, ठीक है मेसोस्फेयर में।